जब आप एग्जाम में अपियर हो रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि आप अपने एग्जामिनेशन में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं और जितना टाइम है उसको डिवाइड करें। जैसा कि इंग्लिश में आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं, 4 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट, और 3 आपको बड़े क्वेश्चन और छोटे छोटे 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो जो 3 बड़े क्वेश्चन है उनको आप 40 मिनट ईच आप एक क्वेश्चन को दे सकते हैं, और जो माइनर क्वेश्चन है उसमें आप 10 मिनट्स आप दे सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप टाइम एक्सीड कर रहे हैं तो आप मेजर क्वेश्चन का टाइम खा रहे हैं। उसके अलावा आप जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसमें जाने से पहले आपका आईडी कार्ड, जो टिकट हॉल जिसको बोलते हैं, एग्जामिनेशन आईडी, वो ले जाना ज़रूरी है। टाइम से पहले पहुँचे, 30 मिनट बिफोर एटलीस्ट यू रीच, और एग्जामिनेशन हॉल में कोई ऐसा कागज़, पेपर, स्मार्ट वॉच, मोबाइल, गैजेट, ब्लूटूथ कुछ भी ना रखें जो सस्पिशन क्रिएट करे। अक्सर बच्चे पिछले दिन वाला क्वेश्चन पेपर पॉकेट में रख लेते हैं, वो आप बिल्कुल निकाल दें। कोई भी कागज़ जो आपको सस्पिशन ला सकता है, जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, वो आप ना करें। और एक दिन पहले थोड़ा सा इमेजिन कर लें कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, आपको कैसे पेपर देना है। इमेजिनेशन आपको माइंड वर्चुअल एग्जाम में ले जाता है, और वो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। जब आपने एग्जामिनेशन हॉल में आपने अपने आप को इमेजिन किया, आप बैठे हैं, आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं और बेहतरीन तरीके से लिख रहे हैं, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। उसके अलावा राइटिंग प्रैक्टिस, हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न लिखावट पे है, आपको सारा लिखना पड़ता 3 घंटे। अब आप 6 मंथ का, अगर आप सेमेस्टर में अपेयर हो रहे हैं, 6 महीने तक आपने कुछ भी लिखा नहीं, और अचानक आपको 3 घंटे, 3 आवर्स, 180 मिनट, आपको एक रिगरस राइटिंग प्रैक्टिस देनी है। आपको 3 घंटे एक फिक्स होकर के, डिटर्मिंड होकर आपको उस काम को करना है, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि अगर आपके लिए एग्ज़ाम ज़रूरी नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर ज़रूरी है तो ये चीज़ें करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कि आप एग्ज़ाम के 1 महीना पहले लिखने की प्रैक्टिस करो। एग्ज़ाम में जाने से पहले आपका पेन, पेंसिल, स्केल, आपका वाइटनर, ये सारी चीज़ें पहले आपसे आप रख लीजिए। ये नहीं कि वहाँ आप पेन मांग रहे हैं, पेंसिल मांग रहे हैं और आप कन्फ्यूज़ हैं। रोल नंबर आपको जो लिखना है वो क्लियर लिखना है, एकदम डिजिट में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे कि 7 को 1 लग रहा है या 8 3 लग रहा है, 5 6 लग रहा है, ये कन्फ्यूजन आपका मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपका रोल नंबर आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो जाएगी। और आप अपने रूम नंबर को आइडेंटिफाई करें, आपकी डेस्क को आइडेंटिफाई करें, और आप जब एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा चॉकलेट, टॉफ़ी रख लो, पानी की बॉटल, वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा और आपको डी स्ट्रेस नहीं देगा वो आपको। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, और मेन इसमें है टाइम पे पहुंचना है। आप चाहे ट्रैफिक को ब्लेम करो या किसी को भी ब्लेम करिए, उससे आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं होने वाला है। हम सब जानते हैं यहाँ के ट्रैफिक का क्या हाल है। तो टाइम से पहले, अगर आपका एग्ज़ाम 9:30 बजे शुरू हो रहा है तो आप घर से 7 7:30 बजे निकल जाएं। टाइम से पहले आप 20 मिनट 30 मिनट 40 50 मिनट पहले पहुंच रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कुछ बच्चे, जैसे मैंने देखा है कि अपना कॉफ़ी मग लाते हैं, कुछ लाते हैं, तो आप ये ला सकते हैं, और आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड होके उस एग्ज़ामिनेशन को आप लिखिए। और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ा तो इसका मतलब कि बाकी बच्चे 70 मार्क या 100 मार्क का पेपर कर रहे हैं और आप उसकी जगह 40 50 का कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप उनके बराबर नहीं आ पाएंगे। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है, और पॉजिटिव रहें, आपने पढ़ाई की है, और टाइम मैनेजमेंट, अगर आपका मेजर 3 क्वेश्चन है, 40 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना। 9:30 पे आपका एग्ज़ाम शुरू होता है, 5 7 मिनट आप पेपर पढ़ने में लगाते हैं, आपकी स्क्रिप्ट की डिटेल भरने में लगाते हैं, उसके बाद आप मैक्सिमम 9:40 से आप अपना पेपर शुरू करें, और वो जाएगा 10:20 तक। उसके बाद 10 दीजिए, जो माइनर क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, वो आप सिर्फ 10 मिनट दे सकते हैं उनको, और बाकी पेपर देना है। ऑल द बेस्ट, यू विल बी डूइंग बेस्ट इन योर एग्ज़ाम।